चीजों को अमेजिंग बनाएं, आइडियाज की दुकान लगाएं, बड़े बड़े आइडियाज करेंगे लॉन्च। एक्साइटमेंट में नाचेगा लालो, आइडियाज भरे ऐसी उड़ान, मस्ती में छू लेंगे आसमान। हाय दोस्तों, आर्ट रूम में मस्ती धमाल करने के लिए आपका वेलकम है। तो चले शुरू करें मस्ती धमाल, लेकिन उससे पहले एक पहेली तो बुझो। पहेली कुछ ऐसी है कि मेरे में बटर तो है लेकिन मैं सैंडविच नहीं, मेरे दो एंटेना है लेकिन मैं टीवी नहीं, रंगीन रंगीन पंख है मेरे लेकिन मैं पंछी नहीं। बताओ मेरा नाम, बुझो पहली, दो जवाब, तभी बनोगे अकल के नवाब। बताओ बताओ बताओ। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। ये एक फ्लाई है लेकिन मक्खी नहीं, यानी कि बटरफ्लाई। बटरफ्लाई होते हैं ना रंगीन पंख। तो एक काम करें, आज हम बनाते हैं बटरफ्लाई बिना बटर के। इसके लिए लेंगे टिश्यू पेपर और लेंगे एक ग्रीन कलर का मोच, नहीं एक पाइप क्लीनर। इसके अलावा लेंगे फोटो कलर इंक, कैंची। तो चलो अब सैंडविच खाते हैं, बाद में खाएंगे, पहले तो बना ले बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई के जो पंख है वो है कलरफुल, है ना? तो हम कैसे कलरफुल बनाएंगे इसे? टिश्यू पेपर से। अब टिश्यू पेपर इसलिए लिया है, ये पानी फटाफट एब्जॉर्ब कर लेता है ना? तो पहले एक फोल्ड कर दिया, अब इसे यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है? ये मोड़ लिया है, अब इसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हो जाने के बाद हम इसे यहाँ से पकड़ेंगे जहाँ से फोल्ड किया है, और फिर ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हो गया है और बन गया है बटरफ्लाई। नहीं नहीं ये फोल्ड करने के बाद मेरे पास ये रबर बैंड है, इससे इसको ऐसे करके बांध देते हैं। अब ये हमारे पास फोटो इंक है, ठीक है? फोटो इंक जो है वो कलर बहुत ही पतला होता है ना? पानी जैसा। ड्रॉपर से कलर लेंगे, यहाँ पे कलर डाल देंगे। ये कलर थोड़ा सा और फैल जाएगा और ड्राई होने के बाद पता चलेगा कि कैसा होगा ये पैटर्न, ठीक है? तो चलो इसको ड्राई करते हैं। ड ड ड ड्राई, ड ड ड ड्राई, ड ड ड ड ड ड्राई। धूप में इसे सुखा लिया है और इसके साथ मैं भी सूख गया हूँ। तो देखते हैं सूखने के बाद ये कैसा बना है ना? अब हम ये जो रबर बैंड है उसको खोल देंगे, ठीक है? खोलने के बाद टैडांग टैडांग टैडांग, वाह! देखा, पूरा मस्त पैटर्न बन गया है ना? इससे ही हम बनाएंगे बटरफ्लाई का पंख। पंख बनाने के लिए इसे करेंगे फोल्ड, ऐसा, ठीक है? और फिर लेंगे कैंची, अब नीचे वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा छोटा होगा, ऐसे, ठीक है? और ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसे, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ यहाँ से, ये, और इसे भी ऐसे। तो ये बन गया अपना पंख, लेकिन ये तो एक पंख है। ये दो पंख है, ऐसे। अब ये बहुत चौड़ा लग रहा है लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास है ये पाइप क्लीनर, है ना? इसको बीच में से ऐसे करके मोड़ेंगे, ठीक है? और फिर ये जो पेपर है उसको ऐसे ऐसे करके मोड़ देंगे। अब उसके बीच में ये पाइप क्लीनर को ऐसे लगाएंगे। ओके, लगाने के बाद इसको इतना रख के ऐसे करके मोड़ देंगे तो ये दिखने में ऐसा होगा। ठीक है, अब ये कागज़ को थोड़ा सा फैला देंगे ऊपर नीचे ऐसे, और फैलाने के बाद ये नीचे वाला जो हिस्सा है उसे ऐसे करके मोड़ देंगे। अब ये जो दो एंटेना है इसको सीधा करेंगे और यहाँ से ऐसे करके मोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा बेंड कर देते हैं। वाह, ये बन गया हमारा बटरफ्लाई। अब इसे विंडो में चिपका दो, दीवार में चिपका दो और ऐसे ही बनाओ ढेर सारे बटरफ्लाई। तो मैंने भी बनाए हैं बहुत सारे, तो आप भी बनाओ ऐसे ही बहुत सारे बटरफ्लाई। तितली तो बन गई, अब उड़ जाएं और लें एक छोटा सा ब्रेक। नहीं, उसके पहले होगा एक टंग ट्विस्टर यानी कि जीभ मरोड़ी। तो टंग ट्विस्टर ये है कि बेटी बॉट बटर बट बटर वॉज बिटर। इसको 5 बार बोल के दिखाओ। हाय दोस्तों, मैं फिर से आ गया मस्ती धमाल के लिए। तो करें मस्ती धमाल। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ। फिर कहानी कुछ ऐसा है कि एक गांव में एक लंबा सा इंसान रहता था। उनको सब लोग बुलाते थे लंबू जी, और लंबू जी चलते थे ऐसे 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 ऐसे। लगता था कि इधर गिरे कि उधर गिरे, लेकिन लंबू जी अपने पॉकेट में बहुत सारे अटरम पटरम चीजें रख देते थे, इससे उनका बैलेंस बना हुआ रहता था। एक दिन क्या हुआ, लंबू जी जो है वो गए जंगल में फल खाने। अब जंगल में गए तो जंगल में था एक भूत, उसका नाम था चिरकुट भूत। अब भूत तो कहानियों में होता ही है ना, असली में नहीं होता। तो ये चिरकुट भूत जो है ये था बहुत शैतान। इसने सोचा ये इंसान को मैं थोड़ा डराता हूँ, तो उसने हवा बन के लंबू जी को धक्का दिया। अब लंबू जी तो ऐसे डुडुक 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 करके गिरे नहीं, सीधा चलने लगे। तो चिरकुट भूत को लगा, अरे बाप रे ये कौन है, इतना हवा दिया फिर भी वो खड़े रहे। तो पूछा, आप कौन हो? तो लंबू जी ने बोला, मैं हूँ भूत पकड़ैया, भूत का पूछ खिंचैया और भूत का चट्टी बनैया। जैसे ही बोले तो चिरकुट भूत को लगा, बाप रे ये कौन है, ये तो मेरे को चटनी बना देंगे, चटनी अच्छा नहीं होगा। तो वो डर के मारे अपने पूछ दबाए और भाग गया। उसके बाद लंबू जी जो है फल खाते हुए टुडुक 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 करके फिर गांव लौट आए। तो आज हम फिर क्या बनाएंगे, चिरकुट भूत को वो तो पूछ दबा के भाग गया, तो आज हम बनाएंगे लंबू जी को टुडुक 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 वाला। लंबू जी बनाने के लिए लेंगे कलरफुल पेपर्स, प्लास्टिक का बॉल, वुली वुली ऊन, साबुन नहीं सिंथेटिक क्ले और गुगली आईज। लंबू जी ऐसे ऐसे लुढ़कते थे, है ना। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि लंबू जी को ऐसे बनाए कि वो लुढ़के, और इसलिए मैं बॉल यूज करूँगा। ठीक है, और बॉल को बीच में से काट दूंगा। जब कटर इस्तेमाल कर रहे हो तो बड़ों का होना जरूरी है। ये थोड़ा सा बाकी है इधर में, इसको भी काट देते हैं। ठीक है, तो ये बॉल आधा कट गया है, तो आधा तो चाहिए नहीं। अब हम करेंगे कलर। तो चलो लेते हैं कलर, काला रंग कर देते हैं। ऐसे तो आपके पास अगर काले रंग का बॉल हो तो बहुत ही अच्छा, मेरे पास नहीं था इसलिए इसको कलर करूंगा। ये कलर हो गया है, अब इसको ड्राई होने के लिए रख देता हूँ। जब तक ये बॉल का कलर सूख रहा है तब तक हम ये पेपर को लेंगे और इससे बनाएंगे लंबू जी की बॉडी। पहले पेपर को ऐसे करके ठोंगा बनाएंगे और यहाँ पे ग्लू लगा देंगे और इसको चिपका देंगे। अब इसको चिपकाने के बाद हमें यहाँ पे लाइन में ड्रॉ करना है। इसे हमको काटना है और इसका जो सर्कल है ये बॉल के सर्कल से छोटा हो, ठीक है। आइसक्रीम खाएं? नहीं नहीं, इसको अच्छे से फिनिश करते हैं। ये कट गया, तो ये लंबू जी की बॉडी बन गई है। अब इसके ऊपर हमें लगाने हैं बाल। ये ऊन से उनके बाल बनाएंगे। पहले ऊन को ऐसे करके हाथ पे लपेट लेंगे और लपेट लेने के बाद काट लेंगे और फिर इसे यहाँ पे बांध लेंगे। अब इसे ये जो कोन है, कोन के अंदर इसको डाल देंगे और घुमा घुमा के ऐसे अंदर डाल देंगे। ये कट गया है बाल। क्या स्टाइलिश है, हाँ। अब हम ये गुगली आइज जो है वो लगाते हैं। ये यहाँ पे लगाएंगे ग्लू और वहाँ पे गुगली आइज चिपका देंगे। अब एक मूवी बना देते हैं। एक वाइट कागज को ऐसे कॉर्नर में काटेंगे, ऐसे, और इसको हम मार्कर से बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके पीछे लगाएंगे ग्लू। ग्लू लगा दिया है। अब इसे यहाँ पे चिपका देंगे। मैं भूत पकड़ैया। है ना, लंबू जी कैसे स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। ये लंबू जी तो बन गए हैं और ये बॉल भी ड्राई हो गया है ना। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले उनके जेब में तो कुछ अटरम पटरम डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास ये क्ले है, सिंथेटिक क्ले। तो अभी क्ले निकालेंगे, इसको ये बॉल के अंदर डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, ये भारी हो गया है तो बॉल को अगर ऐसे दबाओ तो ट्विंग फिर से खड़ा हो जाएगा। अब ये बन जाने के बाद इसे यहाँ पे लगाएंगे। इसमें लगाएंगे ग्लू, ऐसे करके, और इसके ऊपर चिपका देंगे। अब देखते हैं, लंबू जी सो जाइए। ये तो सोए नहीं। लंबू जी सो जाइए। टोइंग, ये तो सोते भी नहीं है, हमेशा खड़े रहते हैं और लुढ़कते रहते हैं। अब एक काम करें, लंबू जी तो बन गए हैं, लेकिन इनको एक बेल्ट पहना देता हूँ, तो लुढ़कते लुढ़कते कब पैंट ही ना लुढ़क जाए, है ना। इसके लिए लेंगे ये कागज और इसको ऐसे स्ट्रिप में काट लेंगे। ये तो आपको लग रहा है कि बेल्ट तो एक से हो जाएगा, दो क्यों काटा है। हाँ, अभी पता चलेगा। इसको फोल्ड करना है और इसके साथ इसको जोड़ना है। पहले इतना, फिर इतना, ठीक है, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे करके पूरे कागज को, और इसको भी चिपका के उसको भी। ये दो फोल्ड हो गया है ना। फोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा कैंची से एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो है उसको काट देंगे और फिर इसके साथ इसको जोड़ देंगे। ये ग्लू लगा दिया यहाँ पे और इसके साथ इसको जोड़ देते हैं। हो गई इनकी दोस्ती और ये हो गया बहुत लंबा। अब ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को चिपकाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगाते हैं ग्लू और फिर इसे घुमा के यहाँ पे चिपका देते हैं। ये ऐसा बन गया है ना। लंबू जी को लाएंगे और इसे माला पहनाएंगे और ये माला नीचे आके बेल्ट बन जाएगा। टोइंग, ठीक है, बन गया बेल्ट। मजेदार, कलरफुल। अब इसको चिपका देंगे एक दो जगह, ये खुल के नीचे ना चला जाए। ये चिपका दिया और बन गया हमारा लंबू जी। तो चलो आप भी बनाओ ऐसे ही लंबू जी जो कभी गिरते नहीं है। लंबू जी ने तो चिरकुट भूत को भगा दिया। कहाँ भगाया, वो तो कहानी थी कोरी गप। अब गप से कुछ खाने का मन कर रहा है, गप गपा गप गप। तो ले एक छोटा सा खाऊ पीऊ ब्रेक। हाय दोस्तों, मैं फिर से आ गया मस्ती धमाल करने के लिए। तो चलो आज कुछ धमाल करें, लेकिन उससे पहले एक पहेली। और पहेली ये है कि एक महल है गोलम गोल, बाहर की दीवारें हरी हरी, अंदर कमरे लाल रंग के, काले बंदरों की फौज खड़ी। बताओ क्या? बताओ बताओ बताओ। चलो हिंट दे देता हूँ, ये कोई महल नहीं है, ये एक फ्रूट है। बताओ बताओ। और गर्मी में हम खूब खाते हैं। क्या है? वाटरमेलन, यानी कि तरबूज। तो एक काम करें, ये गर्मी में हम बनाते हैं एक तरबूज। बनाए? चलो तरबूज बनाते हैं, पूरा नहीं थोड़ा सा। गर्मी भगाने वाली तरबूज बनाएंगे ठंड भगाने वाली ऊन से। इसके अलावा चाहिए कैंची और पॉमपॉम मेकर, और साथ में कुछ केले बंदरों को खिलाने के लिए। नहीं चाहिए, हम तो बनाएंगे वाटरमेलन यानी कि तरबूज। पहले लेंगे ये पॉमपॉम मेकर। अगर आपके पास पॉमपॉम मेकर ना हो कोई बात नहीं, ऐसे हाफ सर्किल और एक छोटा सा हाफ सर्किल और ऐसे ही छोटा सा पुट्ठे का टुकड़ा काट लो, बस बन जाएगा अपना पॉम पॉम मेकर। तो इसमें पहले ये जो दो ऊन है, एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन, इसको इसमें लपेटेंगे। लपेटने से पहले एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे काटेंगे और इन दोनों के बीच में रख देंगे। ठीक है, अब इसे ऊपर में रखा और फिर ये जो दो धागे हैं ऊन के, इसे एक साथ पकड़ के इसके ऊपर लपेटेंगे। ठीक है, अब इसे लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ। ये तीन लेयर इसमें लपेट लिया, इसे यहाँ से काट लेंगे। और फिर ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको कैंची से इसके अंदर ही डाल देंगे। अब ये हो जाने के बाद हम लेंगे व्हाइट कलर का ऊन। तो ये हो गया तरबूज का दीवार यानी कि हरे रंग का दीवार। अब उसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे, क्योंकि हरे रंग के बाद तरबूज में ऐसे ही व्हाइट कलर रहता है ना। हो गया सफ़ेद रंग, इसे भी काट लेंगे। अब ये दो रंग हो जाने के बाद हम लेंगे लाल रंग के ऊन, यानी कि अंदर के कमरे लाल रंग के, है ना। इसमें दो तीन लेयर ऐसे लपेट लेंगे। अब लेंगे ब्लैक ऊन, अब फिर यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे दो, फिर इसके ऊपर लाल ऊन लेंगे और इसे लपेटेंगे। पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर में काले बंदर छुपे हुए हैं, है ना। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। और जब कटर इस्तेमाल कर रहे हो तो बड़ों का होना जरूरी है। देखा, काटने से अंदर का जो ऊन का कलर है वो भी दिख रहा है। अब ये कट गया है, थोड़ा सा यहाँ पे बाकी है, वो भी ऐसे करके कट जाएगा। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, है ना। अब इसके बीच में से इसे ऐसे करके लेंगे और ये जो पॉमपॉम मेकर है इसे निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे। अब ये जो धागा था पहले जो ग्रीन वाला, उसे हम टाइट से बांधेंगे ऐसे। तो इसे पहले ऊपर में ऐसे करके रखेंगे और फिर ग्रीन नीचे बीच में सफेद और ऊपर में ऐसे करके रेड कलर। ये साइड से काट दिया है। तो ये हो गया ग्रीन छिलका, बीच में थोड़ा व्हाइट व्हाइट, और यहाँ पे रसीला वाटरमेलन। ये बन गया हमारा तरबूज, जिसे मराठी में बोलते हैं कलिंगड़ और तमिल में बोलते हैं तरबूजनी। है ना मजेदार? तो चलो आप भी बनाओ ऐसे ही ऊन से तरबूज और दूसरे दूसरे फ्रूट्स भी। बताओ ऐसा कौन सा फल है जो पेड़ पे नहीं उगता लेकिन मीठा जरूर होता है? बताओ बताओ क्या है? सब्र का फल, इंतजार का फल। तो विपिन के इंतजार का फल मीठा होगा, यानी कि अब होगा एक मीठा सा गाना विपिन का। फूल को संग लेकर तितली हुई तैयार, घर का राशन खत्म हुआ चलो चले बाजार। आज यहाँ क्यों आए सभी खरगोश शेर सियार, फूल ने बोला तितली रानी आज तो है रविवार। फूल को संग लेकर तितली हुई तैयार, घर का राशन खत्म हुआ चलो चले बाजार। भीड़ भाड़ में नाजुक तितली होने लगी बीमार, कौन बचाए तितली करे विचार। वहीं बैठे थे लंबू भाई, जिनकी फेवरेट रस मलाई, शहद की डिब्बियां मंगवाई झट से तितली को खिलाई। बड़े भले हैं लंबू भाई, तितली की जान बचाई। फूल को संग लेकर तितली हुई तैयार, घर का राशन खत्म हुआ चलो चले बाजार।